मैं बैकडोर में राजनीति करने वालों में नहीं हूँ, अखाड़े में रहने वाला हूँ। जनता जैसा प्यार करे वैसे करता हूँ मैं। हम ना तो किसी को कैप्चर कर रहे जी। जो करेगा वो भरेगा। हम तो जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सेवा सेवा कर। दीपेंद्र हुड्डा की पहचान आप पूछो कहाँ तक जी। वही रोहतक पुराने में है, उसके बाद रोहतक को कोई नहीं जानता दीपेंद्र हुड्डा कौन है। ये है कि मुख्यमंत्री का बेटा रहा है, कांग्रेस मृत, कांग्रेस में दम नहीं है कुछ भी। जैसे केंद्र में बहन भाई की पार्टी है, हरियाणा में बापू बेटा की पार्टी है। नमस्ते, मेरा नाम है राहुल आर्य, आप देख रहे हैं रेबल रिपोर्टर। 29 तारीख को सिरसा जिले के ओढ़ा गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की एक रैली होने जा रही है। उसी रैली के संदर्भ में बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए मेरे साथ पूर्व सहकारिता मंत्री और प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष श्री मनीष ग्रोवर जी मेरे साथ हैं, चर्चा में शामिल हो रहे हैं और रैली के संयोजक भी हैं। से मनीष जी, आप 4-5 रोज से सिरसा में घूम रहे हैं, गाँव देहात शहर कस्बा हर जगह जा रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? हरियाणा के मुख्यमंत्री जी 29 तारीख को सिरसा जिला के गांव ओडा में जी आ रहे हैं जी। हरियाणा प्रगति रैली जी। हरियाणा के मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं जी, हर जिलों में जा रहे हैं कि कोविड के कारण माने मुख्यमंत्री जनता के बीच में जाना कम हो रहा था, परंतु परमात्मा ने कोविड को अब कम हो गए हैं तो मुख्यमंत्री जी जो चंडीगढ़ में कम रहने का उनका स्वभाव है, जनता में रहने का स्वभाव है, इसी बीच में आज हरियाणा के कई जिलों में रैलियाँ करके सिरसा जिले के अंदर भी आज 29 तारीख को रैली करने आ रहे हैं। यहाँ जिस तरह 2014-2019 में सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया था, बेशक को हमारा विधायक था या नहीं था, इसी उपलक्ष्य में आज 29 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री जी इस ओडा गांव में आएंगे। जनता की आवाज़, हमारे कार्यकर्ताओं की आवाज़, हमारे नेता जी, जो यहाँ विधायक हैं मंत्री हैं जी, जो वो मुख्यमंत्री से मांग रखेंगे वो पूरी कर जाएंगे। एक तरफ देखिए सिरसा की बात होती है तो ओम प्रकाश चौटाला की बात भी होती है, जिस तरीके से वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में या केसों के चक्कर में जिस तरीके से फंस रहे हैं, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र को फोकस कर रही है, क्या ये माना जाए कि जो उनका वोट बैंक, उनकी जो परेशानी है उनकी वजह से जो छिटकना चाह रहा है या छिटक गया है उसको कैप्चर करने की कोशिश माना जाए? नहीं, हम ना तो किसी को कैप्चर कर रहे जी। जो करेगा वो भरेगा। हम तो जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सेवा सेवा करना, बेशक हमने कोरोना काल करा, सारी पॉलिटिकल पार्टियां हमें घर में सोई रही, हमारे कार्यकर्ता कोरोना काल में भी लगे रहे, सामाजिक सेवा भी देते रहे, इसलिए पार्टी सेवा करने की है, सेवा में जनता भारतीय जनता पार्टी जुड़ रही है, इसलिए हरियाणा की जनता ने दोबारा रिपीट हरियाणा के मुख्यमंत्री की सेवा करने का दिया है। 29 तारीख को फतेहाबाद के अंदर कांग्रेस की भी रैली है और कल दीपेंद्र हुड्डा ने अपने फेसबुक के पेज से ये दावा किया कि जो फतेहाबाद की रैली होगी वो सिरसा की रैली पर भारी पड़ेगी, आप क्या मानते हैं? दीपेंद्र हुड्डा की पहचान आप पूछो कहाँ तक जी। वही रोहतक पुराने में है, उसके बाद रोहतक को कोई नहीं जानता दीपेंद्र हुड्डा कौन है। ये है कि मुख्यमंत्री का बेटा रहा है, इसलिए दीपेंद्र हुड्डा को, इसलिए कांग्रेस मृत, कांग्रेस में दम नहीं है कुछ भी। जैसे केंद्र में बहन भाई की पार्टी है, हरियाणा में बापू बेटा की पार्टी है, कांग्रेस कहीं बची नहीं है जी। उसका देख लिया अभी पिछला रिजल्ट, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, गोवा हो, मणिपुर हो जी, पंजाब हो, कांग्रेस सब साफ है। देखिए ये जो सिरसा है वो दुष्यंत चौटाला भी सिरसा से ही जुड़े हुए हैं, चौटाला गांव सिरसा में ही आता है। जो भारतीय जनता पार्टी की 29 तारीख की रैली है, क्या वो इसमें शामिल हो रहे हैं? अगर नहीं हो रहे तो क्या इसको किस नज़रिए से देखा जाए? नहीं, वो अपनी अपनी रैलियाँ होता है, पार्टी की अपनी रैली चली, जब गठबंधन की होगी तो दोनों मिलते हैं। देखिए आखिरी सवाल है, 10 जून को जो हरियाणा की राज्यसभा की 2 सीटें हैं उन पे चुनाव होना है और जो बीजेपी की तरफ से जिन नामों को आगे किया जा रहा है उनमें से एक नाम मनीष ग्रोवर जी का भी है, इन चर्चाओं को आप किस नज़रिए से देखते हैं, कितनी सच्चाई है? मैं बैकडोर में राजनीति करने वालों में नहीं हूँ जी, अखाड़े में रहने वाला हूँ जी। जनता जैसा प्यार करे वैसे करता हूँ, जिताए तब भी हराए तब भी। राज्यसभा मैंने कहा कि मैं बैकडोर है जी,
इस बैकडोर को मैं मनीष करोड़ पसंद नहीं करता, जोर जाएगा उसका मैं स्वागत करूंगा। अगर आप जाते हैं तो? मैं बैकडोर में राजनीति करने वाला नहीं हूं। जी चलिए, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे हमारे साथ मनीष ग्रोवर जी। साफ तौर से कहना है कि पिछले दरवाजे की राजनीति नहीं करते, जो कहना होता है साफ कहते हैं, जो करना होता है साफ करते हैं। फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ, किसी नए नेता के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।